बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और बच्चों इस प्यारी सी कक्षा में। मैं एक बार आपको याद दिलवा देता हूँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस का अध्याय सेकंड, जिसका नाम है अम्ल क्षारक तथा लवण। आज उसका लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, हम लोगों ने इस चैप्टर में जो बेसिक बातें होती हैं वो हमने सारी कंप्लीट कर ली है, और कुछ बेहद इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो भी हमने कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि अम्ल की अभिक्रियाएं और क्षारक की अभिक्रियाएं। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था बेटा? पढ़ा था हमने अम्ल की अभिक्रियाएं, अम्ल व क्षारक की अभिक्रियाएं। ठीक है, जो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत कर देना। ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ से बनेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अम्ल व क्षारक की अभिक्रियाएं। ठीक है, इसको हमने दो लेक्चर में कंप्लीट किया था, 2 से 3 लेक्चर लग गए थे इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, इसमें मैंने बहुत डीपली तरीके से समझाया था, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, पर आज मैं इन्हीं सबको, आज मैं अम्ल और क्षारक की अभिक्रियाएं को समराइज करके आपके पास में परोसने वाला हूँ। इसको मैं समराइज करके, कंप्रेस करके आपके सामने दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों को याद करने में कोई परेशानी ना हो। मैंने क्या बोला, मैं आपके लिए अम्ल और क्षारक की जितनी भी अभिक्रियाएं वो सब मैं आपके सामने समराइज करके रखता हूँ, और देखो आपके माइंड में एकदम घुस जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास को। पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो एक बार जरूर देख ले। ठीक है, और जो एक प्यार वाला बटन है लाइक का, उसको फटाफट दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दो, घंटा बजा दो, क्योंकि आप लोग मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, फिर अब हम लोग चलते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत आनंद आने वाला है क्लास पे। ठीक है बच्चों, तो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल की अभिक्रियाएं। हमने जितनी भी देखी थी अम्ल की अभिक्रियाएं, ठीक है, किस किस को याद है? अच्छा, अम्ल की सारी अभिक्रियाएं किस किस को याद है? जिसको भी याद है ना वो एक बार कमेंट में बता दो कि अम्ल किस किस से अभिक्रिया करता है, मुझे बता दो। वरना आज जो मैं आपको करवाने वाला हूँ ना, आप कभी नहीं भूलेंगे। आप भूल के दिखा देना मुझे, आप भूल ही नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरी वीडियो वॉच करनी है, आपको इधर उधर नहीं भागना है। ठीक है, यदि आपको कुछ सीखना है तो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा जो मैं पढ़ाता हूँ। पर उससे पहले यदि आपको PDF नोट्स चाहिए तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हमारा नंबर 7017730140, आप इस पर मैसेज करके नोट्स पा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो मैं बोर्ड पे लिखवाता हूँ वही आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। मज़ा नहीं आ गया? बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, और यह है हमारा इंस्टाग्राम ID, आप इसको फॉलो कर लो। ठीक है, जो भी हमारे हाईलाइटेड क्लिप्स होते हैं वीडियो के, मैं सब इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ। जो भी आपके डाउट हो वो भी इंस्टाग्राम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यह है हमारा एक टेलीग्राम चैनल, ठीक है, इसको भी आप ज्वाइन कर लें, आपका ही फायदा है। तो ठीक है, अब हम बिल्कुल बिना देरी किए हुए क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, क्षार जब धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या रिएक्ट करता है, ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरी एक एक वीडियो देखी है अब तक किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लो ना जाके। ठीक है, चलो अब हम लोग देखो अम्ल की अभिक्रिया। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अम्ल की अभिक्रियाएं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं अम्ल की अभिक्रियाएं। क्या देखने वाला है? अम्ल की अभिक्रियाएं देखने वाले हैं। ठीक है, कि ये अम्ल है किस किस से अभिक्रिया करता है और क्या क्या बनाता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। बिल्कुल आप रेडी हो जाइए,
जुनून के साथ करेंगे इस टॉपिक को, मजा आने वाला है। ठीक है, बस लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलो ठीक है, किससे करता है तो मैंने आपको सबसे पहली बताई थी धूम, ये सबसे पहली मैंने आपको क्या बताई थी, जब अम्ल है हमारा, अम्ल भैया है, बड़ा बड़ा लिख दूँ, ओ भैया ये क्या हो गया रे, जब अम्लवा है, जब अम्लवा है हमारा धातु से विक्रिया करता है, धातु से विक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है भैया, ये बनाता है लवण, लवण और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ये हमने बताया था नहीं बताया था बताओ, जिस बच्चे ने लेक्चर देखा है उसको पता ही है हमने बताया था, 101% बताया था, बहुत अच्छी तरीके से बताया था, जब अम्ल हमारा धातु से रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है तो लवण बना देता है। इसके एग्जाम्पल भी हमने बहुत सारे देखे थे, बहुत मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था। ठीक है, तो क्या है भाई, अम्ल पहले किससे अभिक्रिया करता है, पहली हमने पढ़ी थी धातु के साथ, किसके, धातु के साथ, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अम्ल धातु से, अम्ल धातु के साथ, अम्ल धातु के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, लवण बना लेता है और हाइड्रोजन गैस उड़ा देता है, हाइड्रोजन गैस उड़ा देता है। ठीक है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस उड़ा देता है। बोला समझ में आई, इतना आ गया। ठीक है, आगे चलो, ये तो हमारा पहला देखा था, ये हमने पहला देखा था। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा भैया, अब दूसरा क्या बताया था मैंने, दूसरा देखो, जब अम्ल है, ये तो धातु के साथ करी, अब दूसरा मैंने बताया था धातु के कार्बोनेट के साथ करता है, धातु के कार्बोनेट के साथ, इसको इधर बनाता हूँ। ठीक है, पहले सबको ऐसे बना लेता हूँ, ये अब सुंदर लग रहा है ना, ये अब सुंदर लग रहा है, पहला मैंने बता दिया, पहला मैंने बता दिया, अब दूसरा पढ़ेंगे हम, अब दूसरा पढ़ेंगे, जब हम वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल है, जब जब अम्ल है, जब अम्ल है धातु कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट, अब ये कार्बोनेट क्या होता है, धातु के कार्बोनेट क्या होते हैं, इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी, इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी, एम एल पी प्रेमिलोजिक बताई थी मैंने इसकी, कि इसको हम लोग कैसे याद करें, कोई भी यौगिक हो यदि वो धातु का कार्बोनेट है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया सब कुछ, यदि आपको देखना है तो देख जाना पड़ेगा बच्चा। धातु कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, तो मैंने आपको बताया था अम्ल है धातु है, ठीक है, जब अम्ल और धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण, तो ये लवण तो बनाएगा ही बच्चा, ये लवणवा तो बनाएगा ही, ये लवणवा तो बनाएगा ही, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है लवण बनाता है, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर रहा है लवण बना रहा है, पर यहाँ कार्बोनेट आ गया है बच्चा, कार्बोनेट आ गया है, कार्बोनेट के लिए ये CO2 बनाएगा और जलवा बनाएगा, जलवा बनाएगा, क्या क्या बनाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। ये तो थी हमारी दूसरी, ये तो थी मेरी दूसरी, अब तीसरा मैंने बताया था, तीसरा मैंने बताया था धातु वाई कार्बोनेट के साथ, धातु वाई कार्बोनेट्स के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या करते हैं, अम्ल, अम्ल जब धातु के वाई कार्बोनेट कैसे पहचानते हैं, ये भी बताया था मैंने, मैंने इस चैप्टर में कुछ नहीं छोड़ा है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं, धातु, धातु के वाई कार्बोनेट, धातु वाई कार्बोन, धातु वाई कार्बोनेट के साथ, के साथ करता है तो क्या बनाता है, ये तो क्या बनाता है, धातु अम्ल, अम्ल और धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा भाई, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है लवण बनाएगा, तो ये तो लवण का लवण रहेगा। अब बात आती है बाइकार्बोनेट भी इसमें आ गया, बाइकार्बोनेट भी आ गया, तो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आप लोग याद कर लो, याद कर लो कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, चाहे अम्ल धातु के वाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया बनेगा करे, तो बनेगा सिर्फ ये तीनों ही चीज़ें, बनेगा सिर्फ ये तीनों ही चीज़ें, CO2 वा और बेटा H2O कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ठीक है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी जल, इसमें भी जल, तो इतना बात आपको बिल्कुल अपने मन मंदिर में डाल लेनी है। ठीक है, मन मंदिर में अपने घुसा लेनी है, क्या
कि जब अम्ल है, चाहे वो धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, चाहे वो धातु के वाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, बनाएगा क्या? लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही, लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल ही। बोलो, इतना समझ में आ गया? खोपड़ी में गया, बड़ा मस्त पढ़ाते भाई यार। ठीक है, इतना आ गया समझ में? ये हमने तीन पढ़ ली है, मैंने आपको पढ़ाई थी। अब हमारी चौथी क्या है? जब वो धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, क्या मैंने पढ़ाई थी? जब अम्ल है धात्विक ऑक्साइड से, ऑक्साइड के साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ है ना, धात्विक ऑक्साइड के साथ करता है अभिक्रिया, के साथ करता है तो क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड, देखो अम्ल है, धात्विक मतलब धातु, धातु के ऑक्साइड, अम्ल मतलब अम्ल है, ठीक है, और धात्विक मतलब धातु। जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, लवण बनाएगा। ये वाली रिएक्शन इन सब में इम्पोर्टेंट है, ये सब में इम्पोर्टेंट है। तो लवण तो बनाएगा ही बनाएगा, लवण तो ये बनाएगा बनाएगा, लवण तो ये बनाएगा ही बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा? जलवा। ये क्या बनाएगा? जलवा बनाएगा। ठीक है, तो ये तो थी हमारी, ठीक है, ये तो हमारी चार हो गई। कितनी हो गई? चार हो गई। अब एक मैंने आपको और बताई थी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक मैंने और बताई थी पाँचवें नंबर की, जब भैया अम्लवा है, अपने दुश्मन क्षारक के साथ, ये ले, जब अम्ल अपने दुश्मन क्षारक के साथ रिएक्ट होगा, जब ये रिएक्ट होगा तो क्या बना लेगा बच्चा? अब देखो क्या बनाएगा ये, यानी कि जब अम्ल है क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, जब अम्ल है, हमने जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है पता? तो बनाता है ये लवण। जब ये बनाता है क्या? लवण बनाता है और जल बनाता है। तो ये देख लो, पांच रिएक्शन मैंने जो आपको डीप में पढ़ाई थी, अब वो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको पूरा समराइज कर दिया है। बताओ इतना मज़ा आया बताओ, क्या आपके लिए आसान हो गया ये चीज़ें? देखो अभी और बताएंगे, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। देखो अम्ल की पहली रिएक्शन क्या है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत ईजिली मैं बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ठीक है, इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन, यदि आपको नहीं समझ में आया ना तो आपको फिर समझ में नहीं आने वाला, ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये मैं मान के चलूँगा और ये आ ही जाएगा, ये मेरी गारंटी। यदि आप मुझे ध्यान से सुनो और आपके समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। देखो इधर, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाते हैं तो लवण बना लेता है। क्या बना लेता है? लवण बना लेता है और H2 गैस उड़ा देता है। ठीक है, यदि आपको इन सभी रिएक्शंस के खूब सारे एग्जांपल देखने हैं, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, ठीक है, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वन बाई वन देख सकते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए आप मेरे वीडियो एक बार देख तो लीजिए, आपको ना संतुष्टि मिले ना तो मेरी गारंटी है आपको संतुष्टि मिलेगी भाई। ये जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कितना हम लोग हाईएस्ट लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन यहीं से ही आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, यह आप समझ लीजिए, ठीक है। धातु के साथ करता है तो लवण और H2 गैस निकाल देता है, यही वाला अभिक्रिया सब में पुट है, ये वाली अभिक्रिया सब में पुट है, देख लो। अब दूसरी क्या है भाई, जब अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण बना देता है। अब कार्बोनेट के चक्कर में ये दोनों चीज़ें और बना दी इसने, कार्बोनेट के चक्कर में ही बस ये दोनों चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल बना दिया है।
ठीक है। और सुनो, जब अम्ल है धातुओं से रिएक्ट करता है, लवण बनाता है, ठीक है, पर बाई कार्बोनेट के चक्कर में ये क्या कर देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना देता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना देता है, बस इसी ही चक्कर में। इतना आ गया समझ में, मुझे इतना बताओ, इतना आ गया समझ में। अब क्या है सुनो, ये हमारी इतनी हो गई। अब इधर देखो, ये अम्ल है ये धातु है। जब अम्ल और धातु आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बना देते हैं, पर ऑक्साइड के आने के चक्कर में ये जल भी बना दे रहा है। तो बताओ, इतना इजी तरीके से कौन समझाएगा मुझे, ये बताओ रे रसगुल्लो, इतना इजी से कौन समझाएगा रसगुल्लो, बताओ भैया, ठीक है। अब एक इजी सी और सुनो, जब अम्ल और क्षारक आपस में मिल जाते हैं, अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो लवण बना लेते हैं और जल बना लेते हैं। तो बेटा ये रिएक्शन सेम टू सेम है। तो इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करके देखें, इतना आगे समझ में, बताओ मुझे, ठीक है। जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बना देता है, ठीक है, बना देता है, इतना आ गया समझ में, बताओ मुझे, बना देता है। एक बार स्क्रीन शॉट ले लो इसको, ले लिया इसका स्क्रीन शॉट, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे, बस इतना याद करके रखना है आपको। बहुत मैंने इजीली तरीके से एक्सप्लेनेशन पूरा दिया, यदि आपको ये भी नहीं समझ में आया ना तो फिर बहुत दिक्कत वाली है, ठीक है। और मैं ये माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ी बाहर की साउंड आ रही है, अब मैं इसको रोक भी नहीं सकता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर ठीक है, इतना समझ लूँ, ठीक है। पर आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। यदि आपको टारगेट 90+ का अचीव करना है तो सिर्फ आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, पर कोई नहीं, ठीक है, मैं आपसे कनेक्टेड हूँ तो मैं आपको देख रहा हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे आप सामने बैठे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे रिस्पॉन्स कर लो, इतना आ गया समझो। चलो अब हम लोग देखते हैं क्षारक की अभिक्रिया, इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं क्षारक की, है ना, क्षारक की अभिक्रिया देखने वाले, बहुत मजा आएगा। जिस तरह इन्होंने ये बताई है ना, बिल्कुल सेम टू सेम बताने वाला हूँ, बिल्कुल मजा आ जाएगा। आप कहेंगे साइंस ही जीवन है, बाकी सब मोह माया है, ठीक है, चलो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्षारक की अभिक्रियाएं, क्षारक की अभिक्रियाएं हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। हम आपको इस तरह पढ़ाएंगे ना, आप कहेंगे साइंसी जिंदगी है, बाकी सब घूमवाया, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान लगाकर पढ़िए। पहला क्या बताया था, इसमें भी कुछ सिमिलर है, जैसे हम लोगों ने अम्ल में पढ़ा वैसे इसमें भी सिमिलर है, ठीक है। क्या हुआ है सिमिलर, जब क्षारक है, ठीक है, जब क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करता है, किससे पहले हमने करवाई थी, धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है, ये भी लवण बनाता है और H2 गैस रिलीज करता है, यानी कि धातु के साथ, ठीक है, ये हमने पहला देखा था धातु के साथ, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या देखा था, ये धातु कार्बोनेट के साथ, जब ये धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है, जब क्षारक है धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, इसको मैं बाद में बताऊँगा, अभी देखो इसको बाद में बताऊंगा। जब धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है क्षारक, कार्बोनेट के साथ,
जब धातु के कार्बोनेट के साथ क्षारक अभिक्रिया करता है तो बताओ क्या होता है। अभी मैं इसका बताऊंगा, अभी थोड़ा मैंने रोक रखा, पहले आप बताओ, सोच लो मैंने क्या बताया था। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं भाई, पर थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। पर जब धातु के वाई कार्बोनेट के साथ करता है अभिक्रिया तब क्या होता है ये भी बताऊंगा बाद में। धातु के वाई, इसमें कुछ चमत्कार है तभी तो बाइकार्बोनेट के साथ जो हमारा क्षारक है धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है और धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। ठीक है, अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। चलो अब हम पढ़ लेते हैं, जब हमारा क्षारक है अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है क्षारक तो क्या बनाता है। अच्छा, अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है क्षारक तो बताओ क्या बनता है। जो भैया हमारा पहले बना था अम्ल में, वही इसमें बन गया। जो हमारा अम्ल में बना था वही इसमें बन गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें सिमिलर ही है पर कुछ अंतर है वो बताने वाला हूँ। कितना अंक है समझो, ये चार हो गए हमारे, दो तीन, अब पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या है, जब क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जब क्षारक अम्ल के साथ करे बात है कि बनेगा क्या, बनेगा लवण और जल ही बनता है। तो सुनो, ये तो थी हमारी क्षारक की, जो अम्ल में होता है वही क्षारक में होता है, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़ के। इन दो चीज़ों को अपने मन मंदिर में डाल लेना है जीवन के अंत समय तक। ठीक है, इन दो चीज़ों को अपने मन मंदिर में डाल लेना है जीवन के अंत समय तक। इन दोनों को अपने कहाँ डाल लेना है, मन मंदिर में। कब तक, जीवन के अंत समय तक। क्योंकि जो क्षारक होते हैं धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते और क्षारक धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते। तो सुन लो, अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, चाहे धातु के वाई कार्बोनेट हो चाहे कार्बोनेट हो धातु के, क्षारक उनसे अभिक्रिया नहीं करते, उन्हें पसंद नहीं करते, उनसे प्रेम नहीं करते। ठीक है, अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद करना है, सिर्फ अम्ल और क्षारक की अभिक्रियाओं में सिर्फ यही दो अंतर हैं। देखो, जो अम्ल में बन रहा था वो तो बन ही रहा, इसमें भी जो क्षारक है भाई धातु के साथ अभिक्रिया करता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। इसी तरह अम्ल था जो अभिक्रिया कर लेता धातु से तो लवण और हाइड्रोजन गैस बन जाती थी। पर जब अम्ल है धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या क्या बन रहा था, एक तो लवण बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी और जल बन रहा था। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बनेगा, और यहाँ पर भी अम्ल के साथ वही हो रहा था, लवण बन रहा था और जल बन रहा था और उस कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता क्षारक के साथ और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी सब में अम्ल के ही तरह सब कुछ होता है, अम्ल की तरह ही सब कुछ होता है। बोलो, इतना समझ में आया रे, बताओ। बाकी सब अम्ल की तरह ही होता है, बताओ इतना समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इतना करो, इतना आ गया। ठीक है,
फिर आज की क्लास में बस इतना ही करने वाले हैं। आज की क्लास आपके लिए स्पेशल इसी पे ही मैंने रखी थी। आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे, इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो देखिए, ठीक है। ये बिल्कुल ये समझ लिए मैं आपके लिए बहुत एनालाइज करके, बहुत मेहनत करके ये सब चीज़ें लाया हूँ, तो आपको लाइक तो करना पड़ेगा वीडियो को। जो भी बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिल्कुल आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, हमारी क्लास चल जाएगी, 6:30 बजे लाइव चलती है, तो लाइव में भी आया करें। कोई भी डाउट हो ना तो मैं आपको लाइव चैट के थ्रू सब डाउट क्लियर करने वाला हूँ, और ठीक है। और इसको अधिक से शेयर भी करो भाई, ये भी जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी, ये तुम्हारा कर्तव्य, अधिक से अधिक इसको शेयर करो, ठीक है। कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता, जिसमें हम लोग पीएच स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बेटा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का या 5 नंबर का जरूर ही आता है, ठीक है। तो फिर चलते हैं, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।